नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मथुरा में लगातार चोर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब चोरों ने जनपद के सभी क्षेत्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला गोवर्धन के गांव महमदपुर पारासोली का है। यहां आधा दर्जन से अधिक चोरों ने 5 मकानों को अपना निशाना बना डाला, जिनमें से चोरों ने लाखों की नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। चोरी की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। इसके बाद ग्रामीण एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। गोवर्धन से हमारे संवाददाता अजय ठाकुर की रिपोर्ट। धीरज कौशिक। कौन सा गाँव है ये? गांव महमदपुर परासोली पड़ता है। क्या कोई घटना हुई है रात को? आज रात्रि में करीब 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में यहाँ हमारे करीब 5 घरों में चोरों का आतंक रहा है और 3 घरों में से माल गया है करीब 5-6 लाख रुपए का लगभग, और 2 घरों के ताले तोड़े गए हैं। ताले तोड़ के वो और पड़ोस के घरों में कूदने की कोशिश की है पर उनको कहीं सफलता नहीं मिली है, नहीं तो और 2-3-4 घर उनकी चपेट में और आ जाते हैं। तो सुबह जब लोग जगे, एक लड़का है, उसका मोबाइल वगैरह छीनने की कोशिश की है, उसके साथ में हाथाचाटी करने की कोशिश की है। उसने अपना बचाव किया, मोबाइल वगैरह दूसरे के पड़ोसी के घर में फेंक दिया था। उसने शकल वगैरह भी देखी थी पर यहाँ गांव का कोई लोकल नहीं था। कट्टा वट्टा हथियार अभी तक तो नहीं मिले। एक कैमरा है, अगर उसका कुछ 10-10:30 बजे के बाद में देखते हैं, वो अगर खुल जाता है तो उसमें कुछ मिलता है। तो पुलिस ले गई है, लिख के इंस्पेक्टर साहब भी आए थे और अड़िंग चौक इंचार्ज साहब भी आए थे, 2 बार पुलिस आ ली है, अब लिख के ले गई है। अब देखते हैं पुलिस क्या छानबीन करती है। चोरी रात को हुई थी 3:30 बजे करीब। ये बच्चा आया था अपने यहाँ पर, तो हमसे आके बोले चाचा चाचा बदमाश आ गए 4 जने, तो मुझसे लूटा पार्टी मोबाइल छुड़ा रहे। तो मैं आया था, मैंने फाटक खोला मेरा बच्चा, और हम निकल के बाहर आए थे तो हम उनके पीछे भागे थे, तो वो निकल के चले गए थे। फिर उन्होंने सवेरे उसके बाद में हमको सूचना मिली कि 4 घरों में चोरी हुई है। 4 घरों में से अपना बढ़िया जेवरात चीज अंगूठी कुंडल और कुछ ढेला पैसा नगद ही संजय करीब 4-5-6 लाख रुपए का माल बजट 4 घरों से नहीं गए। नकदी 80,000 रुपए ले गए, उनके यहाँ से 50,000 रुपए गए और चीज भी ले गए, सोने चांदी की चीज भी ले गए, उनके यहाँ से भी चीज ले गए। सूचना सवेरे ने मिली है, पुलिस आई है, कार्रवाई तो सगाए आने को सगाए। पुलिस क्या है, पुलिस कुछ अपनी कार्रवाई कर ले, कुछ नहीं करी पुलिस, तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर। जी देश कुमार। कौन सा गाँव है? महमदपुर। क्या घटना हुई रात को? रात में आज एक बदमाश आए थे। कितने लोग थे लगभग? 4 जने मैंने देखे थे आँखों से। तो फिर क्या घटना की उन्होंने? घटना आज के चोरी किए गाँव में 4-5 जगह उन्होंने। कितने घरों में? अपनी बात बताओ। कितने घरों में? आज के तो पड़ोस में ही किए। नहीं तो आपने देखे थे उनको? हाँ देखा था। तो फिर पकड़ने की कोशिश की? पकड़ने की कोशिश का करी, मोबाइल छड़ा रहे मुँह पर, तो उल्टो तमंचा धर दिया नार पे। मैंने मोबाइल इन पड़ोसी के यहाँ फेंक दिया था, जब मोबाइल बचा था मेरा। यार जबरदस्ती छीनने हैं यहाँ पे। कितने बजे घटना है? 3:30-3:35 की। तो आप अभी इसकी सूचना किसी पुलिस को या ग्रामीण को बताई? हमने खूब भागे भी इनके पीछे, इनके पता ही चोरी की पीछे पड़ गया कि चोरी कर भी आए। मैं तो ना समय रोका, उधर रंजिश ने करने आए भी भाई साहब, तो लग रहे मैं तो लैस बिल्कुल भागे थे। फिर पुलिस को सूचना कितने बजे की? सूचना तो मैंने करी, मैंने चोरी भाई की थी इनके यहाँ, मेरी कोई चोरी थी थी। सबसे पहले फिर मुझसे कही थी। क्या नाम आपका? मेरा रूप बाती देवी। कौन सा गाँव है?
ये मेहमतपुर परासोल। क्या घटना हुई आपको? घटना ये हुई है, मेरे सारा सामान निकाल के ले गए, सबको ले गए, 3 अंगूठी 3 दो जोड़ी पजेब थी, 20,000 रुपये थे, 5 बर्तन चांदी के, और पता नहीं जन क्या क्या। अभी हमने और हाथ नहीं लगाया, बस यही देखा है। कितने बजे घटना लगा? अब ये 3:30-3:45 के करीब बता रहे हैं, 4:15 तो मैं यहाँ आ गई हूँ अंदर, मैंने आके देखा है तो कुछ नहीं मिला यार। तुम्हें कितने बजे पता चली? 4 बजे? हाँ 4:30-4:15 आ गई हूँ। सूचना दी घटना को? पुलिस 4 बार आ चुकी है, 4 बार आ गई पुलिस। तो रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? अभी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, अभी 10:30 की कही है तो जाएंगे अभी रिपोर्ट दर्ज कराने। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।